यहाँ पे तो देर परेशान हमें ये की है अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट अभी सुप्रीम कोर्ट में रवाना हो रहा हूँ और शायद किसी को गलत फहमी है या कोई खुश फहमी में है कि हम शायद डर जाएंगे इस सारे मामले में या इमरान खान से पीछे हट गए या ये कौम की जो जंग लड़ रहे हैं इसे पीछे हट जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बताते चले आपको, ये जो कोई भी है वो सुन ले इस बात को। मैं तो पहले सोच रहा शायद कोई डराने की कोशिश है, तो ये तो मैं पुराना भुगत चुका हूँ, लॉयर जरूर ने भुगत चुका हूँ, ये मेरे लिए कोई नई चीजें नहीं है। लेकिन आज जो कोई भी था फ्रंट से आगे मुकाबला करो यार, ये क्या अपना बुजदलों की तरह बैठ के बाहर से आगे क्या कर रहे हो? दो मोटरसाइकिलों के ऊपर वो आपने वीडियो देख ली है और चार लोग थे और ये खाली डराने की कोशिश नहीं थी। बाकायदा जो पेट्रोल बम है उसको आग लगा के दो आप देख सकते हैं फेंके गए, लेकिन मैं शायद समझा कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें ये सामने ये ऊपर अगर आप देखें ये गोलियों के खौल है, तीन गोलियां हैं जो है ना, तीन गोलियां, एक तो शीशे के अंदर चली गई है, दो सामने फ्रंट के ऊपर हैं, 9 mm की गोलियां हैं, खौल सारे आपको दिखा दी हैं। यानी ये सिर्फ इस हद तक नहीं थी, इट वाज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू मर्डर और दहशतगर्दी है। मैं नाम दूंगा सारे इसमें, लेकिन अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मैं बाकायदा बड़ी तगड़ी FIR दूंगा और जो लोग हैं वो चेहरे सामने आ जाएंगे आप लोगों के। मेरी बस कौम से गुजारिश यही है कि अजहर सिद्दीक ना डरा है ना झुका है ना उसने पीछे हटना है ना वो पीछे हटेगा। मेरी ये फैमिली है, मेरा भाई खड़े हैं, मेरा पूरे सारे लोग ये मेरे साथ हैं हमेशा से। ये इसी तरह की एक बाउंड्री साजिश की थी जब अल्ताफ हुसैन की पाबंदी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के लिए जब जाना था तो उस वक्त भी चार दो मोटरसाइकिलों पर चार अपने ऑटोमेटिक गनों के साथ आए थे, उस वक्त नहीं पीछे हटा, लॉयर ने पीछे नहीं हटा। तो अब आप ख्याल है कि इमरान खान साहब के पीछे हट जाएंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान एक कॉज है, एक जंग है, एक नजरिया लड़ रहा है वो, तो उस नजरिए से हम जैसे लोग पीछे कैसे हट सकते हैं? और यही वजह है कि पूरे सारे लोग साथ खड़े हैं। मैं बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, पीछे नहीं हटना। इमरान खान साहब के पीछे हट जाएंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान एक कॉज है, एक जंग है, एक नजरिया लड़ रहा है वो, तो उस नजरिए से हम जैसे लोग पीछे कैसे हट सकते हैं? और यही वजह है कि पूरे सारे लोग साथ खड़े हैं। मैं बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, पीछे नहीं हटना।